हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू कद्दू की मसालेदार सब्ज़ी बनाने चल रहे हैं नए तरीके से। तो हम आलू कद्दू ये बॉयल कर लिए हैं, अब इसको हम काट लेते हैं। इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। ये हमारा कट रहा है। हम कद्दू का छिलका नहीं निकालेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, छिलके से और स्वादिष्ट हो जाता है। आलू कद्दू को हम दोनों ही बॉयल किए थे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है तो इसमें हम तेल डाल रहे हैं। ये हमारा सरसों का तेल है। गर्म हो तो नहीं तो ठंडा ही रहा था मोड़ कर। इधर क्या कहते हैं, हम सब्जी काट लिए हैं, बॉयल किए थे तो इसको छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। इसमें हम कुछ खड़ा मसाला डाल रहे हैं। हमारा तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, इसको डाल रहे हैं। और ये एक चम्मच हम लिए हैं पचफोरन मसाला, इसको डाल रहे हैं। ये हम दरबरा कूट लिए थे, मिर्चा हमारा है, लहसुन और प्याज है, इसको भी हम डाल रहे हैं। ये हम अदरक लिए हैं तो इसको घिस दे रहे हैं बारीक से। मसाला घोल रहे हैं तो ये हमारा गरम मसाला है, छोटा चम्मच लिए हैं। एक चम्मच हम सब्जी मसाला ले रहे हैं, ये हमारा है। आधा छोटा चम्मच हल्दी ले रहे हैं, इसको हम घोल ले रहे हैं। अभी ये हमारा प्याज और ब्राउन हो गया है तो इसको हम डाल दे रहे हैं मसाला को। आधा छोटा चम्मच दरबरा कूटा हुआ मिर्चा डाल रहे हैं। अब सभी मसाले को अच्छे से मिला रहे हैं। ये हमारा पक रहा है मसाला। जब तक इसमें हल्का सा तेल छोड़ने ना लगे तब हम सब्जी डालेंगे। हमारे मसाले का कलर जो है चेंज हो गया है, ये देखिए पक गया है, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। अब इसमें हम सब्जी मिलाएंगे। सारी सब्जी को हम इसमें मिला के अच्छे से पकाएंगे। इसको अब हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। ये हम सभी सब्जी में और मसाले को अच्छी तरीके से भून लिए तो इसमें हम नमक भी मिला दे रहे हैं और हम हल्का सा पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको हम ढक दे रहे हैं हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। ज़्यादा देर हमको पकाना नहीं क्योंकि सब बॉयल है। ये हमारी इस तरीके से देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है। ये देखने में भी सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट आती है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और हमारा तरीका पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।